जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यू सिट विद टेक्स्ट बुक ओपन सो दैट आपका रिविजन भी हो जाएगा यू लैंड रीडिंग द फुल चैप्टर। इट इज अ सुपर हार्ड टचिंग स्टोरी बेटा बहुत रिलेटेबल है एंड बहुत क्यूट है उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे चैप्टर का थीम एंड मॉरल बोले तो व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट टू लर्न पीपल वोकैबुलरी आई विल टीच यू दैट इज ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स उसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंट क्यू एन एज एंड एंड में आएगा होमवर्क का सवाल बेटा होमवर्क जरूर करना लीव इट फॉर मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू डू द होमवर्क एंड आई लाइक इट आई विल टेक योर नेम इन माई नेक्स्ट लाइव वीडियो फर्स्ट शॉप ठीक है

चलो बेटा स्टे कनेक्टेड हमेशा मैं आपको इनवाइट करता हूँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ अगर आपको चाहिए ग्रामर हैक्स हैक्स रीडिंग राइटिंग लिटरेचर के फंडे एंड सम फन कंटेंट किसी भी प्रकार के डाउट हो दुविधा हो लाइफ में रीच आउट टू तो मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी मेरे चैनल को ज्वाइन करो इफ यू वॉन्ट सेशन पीडीएफ इफ यू वॉन्ट मोटिवेशनल मटीरियल एंड रेफरेंस स्टडी मटीरियल ई करना है तो ई कर दो यार चलो पीपल इसी के साथ डोंट फॉरगेट दिस इज अ प्रीमियर वीडियो जब ये वीडियो प्रीमियर होगा एक क्विज का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा कॉल योर फ्रेंड्स प्ले द वीक अपने स्कोर्स को पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में हाउ मच मस्ट यू स्कोर एंड इफ यू स्कोर फुल मार्क्स पीपल उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालो मुझे टैग करो द अंडर स्कोर हमित अंडर स्कोर हो रहा आई विल रिपोस्ट योर स्टोरी हंड्रेड परसेंट

एम्बेलिश और एनहेंस तो पीपल देखो फूड को एनहेंस क्या करता है मसाले ठीक है सो इसका बेसिकली टू स्पिंग और बेसिकली टू ब्यूटिफाई समथिंग ये फर्क है गार्निश द फिश विथ वेजेस ऑफ लेमन तो बेटा वेजेस बोले तो स्लाइसिस या पीसेज ऑफ लेमन होता है ठीक है Chalo. awesomely awesome fun fact. I was blown away, people, by this. Blue whales, people, blue whales are the largest mammal in the world. Eat half a million calories. Beta half a million calories in one mouthful. a socho kitna, but I have blue whale. Vise to you know, it is the size of 12 elephants put together. But socho, socho, socho. Chalo. People, let's get started.

मतलब गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था लेकिन जरूरी भी था अब उसको सुधारने के लिए क्या करें so so यहाँ पे क्या होता है अ स्नेक बाइट जोडी के पप्पा एंड दे आर इन दंगल एंड दे आर हंटिंग अभी टू सेव हिमसेल्फ पप्पा किल्स अबा डो इज नथिंग बट अ फीमेल डियर फीमेल डेयर को बोलते हैं डो टू सेव हिम ठीक है अभी काहे कैसे 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 बोल रहे हो तो बेटा सांप का जहर निकालने के लिए ना उस डो काउट कर सकता है तो मतलब ही हैड टू किल द डो रिमूव द लिवर यूज इट ऑन हिज पॉइजन टू सेव हिमसेल्फ। सैड ना ठीक लेकिन सुनो अभी देखो पीपल ही यूजेज द हार्ट एंड द लिवर फॉर ड्रॉइंग आउट ड्रॉइंग आउट मतलब के रिमूविंग द पॉइजन तो सांप ने काट लिया पप्पा जी को पप्पा जी ने बोला ओमाई oh गॉड अभी वहां पे पीपल देर वॉज नो डॉक्टर वैक्सीन क्या करेंगे तो so, पप्पा जी ने इमीजिएटली एक डो को देखा डो को खिल किया उसका उसको काटा हार्ट और लिवर को निकाल के अपने पॉइजन को निकाला सुपर सैड Now people, it gets very sad, but I'll tell you what. who is the writer. Jaldi jaldi batao. I told you this in the first slide. I want the answer in the live chat. Marjorie Kinnan Rawlings, William Blake, Fidos Kanga, or Thomas Hardy? A or B or C or D? Full speed, my live chat, me spam karo. Comment section mein likho, and jaldi jaldi batao people. Is it A or B or C or D? Who is the writer? Very simple man. I'm showing the answer in three, in two, in one. Absolutely correct. It is Marjorie Kinnan Rawlings, people. Chalo. दॉस ऑफ द डो एंड थॉट अबाउट दीपुल प्रॉब्लम ये थी ना यार वो जो डो था फीमेल डेयर था फीमेल डेयर है देर वॉज अ वेरी छोटू छोटू बेबी फोन वहां पर जंगल में जो उसके बाजू में था तो डो तो मर गई उसकी माँ मर गई बेबी पीपल उसको कौन पालेगा ठीक है

लिविंग हिम इन दुड्स बोले तो जंगल was not right. उसने बोला नहीं पापा खाली आपने अपनी जान बचाने के लिए उसको तो मार डाला उसकी मम्मी को ठीक है लेकिन उसके बच्चे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं एंड पीपल ऐसी आर्ग्यूमेंट ऐसी है ना जो मतलब मम्मी पापा मना भी नहीं करेंगे बिकॉज इट इज सो सो प्योर चलो, करना so करना मतलब मतलब होता है to let him raise the fawn. मतलब कि फॉन समझे अभी पीपल ये बहुत बड़ी बात है ना सोचो आपके मम्मी पापा हमारे मम्मी पापा हमको कुत्ता बिल्ली रखने देते हैं ये तो वाइल्ड एनिमल फॉन को घर पे लाने की बात कर रहा है बट पीपल अगेन बच्चा बच्चा होता है ठीक है ना एटसेट्रा एटसेट्रा चलो इवन वेंट टू मामले में बच्चे डोंट यू डू दिस जहां पे आप बोलते हो कि मम्मी मुझे ना एक घंटा खेलने दो मैं दो घंटे पढ़ाई करूंगा या मम्मी मुझे एक घंटा गेमिंग करने दो मैं अपना होमवर्क पूरा आज के आज खत्म करूंगा तो पीपल ही ऑलरेडी प्लान जहाँ पे ही वेंट मम्मी एंड पप्पा एंड ही सेड कि देखो देखो मेरे हिस्से का दूध ना आप उसको दे देना ताकि आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चा हो एंड उसके बाद तो वो लीफ वीफ ही वी खाएगा ना नेचर खाएगा वो हमारा घर का थोड़ा खाएगा People, so so cool. और ये खाली बच्चे बात कर सकते हैं अडल्ट ऐसे नहीं बात करते हैं ओपी होते हैं फरिश्ते होते हैं आप भी हो डरो मत मुझे है, ठीक है चलो विविल जोडी को किस बात की बहुत टेंशन थी बताओ आंसर हिज फादर हिज मदर द डो और फोन पीपल ए और बी और सी और डी एवरीबॉडी हैज़ टू राइट द आंसर इन द लाइव चैट बेटा कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख के बताओ ए और बी और सी और डी फुल स्पीड में फुल जोश में बताओ ए और बी और सी डी दिखा दे आंसर आई एम द आंसर इन थ्री इन टू अपने अंकल के साथ गया पा बेचारे बिस्तर पे थे मम्मी किचन में खाना बना रही थी ये गया घोड़े पे फोन को ढूंढने के लिए पीपल नॉट ईजी एंड वेरी एंड फाइंड ऑन सर्चिंग

ठीक है Question, answers बाकी है 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 चलो अभी बाकी बाकी उसके पहले सुन लो समझ लो देख लो समझ देख इस बार बेटा इंग्लिश में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड माई रॉक स्टार्स दिस इज इट दैट means अभी तो आगे टाइम विधानसो से जोड़ो एंड उन सारे बच्चों ने एक चीज पे अग्री किया है के, people, के it is ऑनलाइन एजुकेशन तो बेटा ऑफलाइन कोचिंग आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी है मैं मना नहीं करूंगा लेकिन आपको ये प्राइस पे ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिलेगा तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेटा घर पे पढ़ोगे सेफ पढ़ोगे डिस्ट्रैक्शन कम होगा टाइम कम वेस्ट होगा आपको जब भी चाहिए पढ़ सकते हो ऑफलाइन कोचिंग अगर मिस हो गई तो रिपीट करना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो बात सोच के चलो अच्छा

पीपल बाय द वे आप चाहे के 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 हो 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 या 8 के हो। वैसे तो एट वालों के ये है पीपल द प्राइस पॉइंट same एंड आई एम ओनली आस्किंग यू टू एनरोल इन basic प्रोडक्ट मत करो एडवांस बेसिक कर लो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके तीन मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस ठीक है चलो तो so, पीपल करना क्या है ंड विस नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कमेंट में जाके मेरा -PRO, जल्दी -जल्दी -हरी -PRO लगाना Chal, देखो बेटा ये यूट्यूब डॉट कॉम है ठीक है इसमें जो मेरा विडियो चल रहा है इसमें आपको क्लास एट अवेल ऑल एक्साइटिंग विधांतो कोर्सेज में जाना एंड पीपल इसमें यू हैव टू ऑप्शन प्रो क्लास एट और क्लास एट फाउंडेशन अभी सुनो अगर आप प्रो क्लास एट लेते हो इसमें बेटा हु इज टीचिंग यू अंकिता मैम मोहन सर एंड डायना मैम बेटा इसमें तीन मेजर सब्जेक्ट्स है इसमें ए आई लाइफ है ए आई लाइफ क्लासिक और प्रो लाइव क्लासिक डेज का ट्रायल भी है फॉर लाइव जो केवल है, है. में है उस पर भी टेन परसेंट डिस्काउंट है बेटा एनुअल प्रोडक्ट अगर आप लेते हो नॉट द ट्रायल उसमें आपको मिलता है विधानूवमेंट प्रोमिस दैट इज ऑसम बोले तो क्या इफ वन ईयर ऑफ स्टडिंग विद के बाद यू आर नॉट हैप्पी एंड यू वॉन्ट टू टेक मनी बैक बेटा पैसे रिटर्न दे जा रहा हूँ नो क्वेश्चन बाय को जाके पहली बात तो माई कूपन कोड विल बी अपलाइड एंड पीपल आप देखोगे की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन पे यूजिंग जीरोज द बेस्ट ऑप्शन हर महीने मम्मी पापा के अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे

इसका ए आई लाइफ में स्टार्टिंग सून लिखा है बेटा दैट मीनस अभी तक ये बैच खुला है जल्दी जल्दी ज्वाइन करके जल्दी जल्दी करो ठीक है बैच इज कॉस्टिंग वन हंड्रेड आठ सौ रुपए का फर्क है पूरे साल में ओके वर्थ इट अंदर जाके बाय नाउ पे क्लिक करना है फिफ्टीन डेज का फ्री ट्रायल भी है ले एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन में जल्दी जल्दी आ जाओ यार ठीक है ऑल द पेमेंट ऑप्शन सो पीपल डू नॉट फोरगेट एनरोल क्विकली चलो लेट्स अभी पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या है बेटा बेटा मतलब यू फील बैड अबाउट समथिंग ठीक है द स्टोरी हाईलाइट कौन से कौन से वैल्यूज कौन से कौन से मैसेजेस है लव केयर बेटा जस्टिस You have to be fair. अगर आपकी वजह से किसी का बुरा हुआ है आपको उसको भरपाई करनी पड़ेगी यू हैव टू कॉम्पेट यू है घर पर भी सिंपल सी बात है आपने दूध गिरा दिया आपने पानी गिरा दिया मम्मी पापा क्यों पहुंचेंगे उसको की फर्क पहनता है टाइप नहीं जोड़ी ने बोला नहीं पापा गलत बात है हमें उसका ख्याल रखता है जी जब तक वो बड़ा हो जाए बस खाली ठीक है अच्छा फिर इसका मॉरल क्या है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल मैसेज बेटा ये याद करके जाना सेशन पीडीएफ आ जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे द सेम डे दैट द वीडियो प्रेमियर्स लव एंड कंपैशन बेटा दे आर एब्सोल्यूट नेसेसिटीज विदाउट व्हिच ह्यूमैनिटी नॉट सर्वाइव यार हो ही नहीं सो ये बहुत जरूरी है ट्रू कंपैशन मीन्स नॉट ओनली फीलिंग अन का पेन बट ऑल्सो बींग मूव टू हेल्प रिलीव इट रिलीव इट का मतलब है सॉल्व इट या कुछ है खाली सोचो मत करो करके दिखाओ बन के दिखाओ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है चलो सो पीपल वो कैबुलरी कर लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड डो बेटा एक फीमेल डियर होता है फॉन उसका बच्चा होता है कंसर्न मतलब के किसी के लिए बॉर्डर करना कैरकिस बेटा एक डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल होता है ठीक है अच्छा वेयर अबाउट्स मतलब कि कहाँ पे कोई है ठीक है कोई कहाँ पे कहीं छुपा है वगैरह उसको बोलते हैं वेयर अबाउट्स स्क्रॉनी मतलब कि एकदम पतला सा से दुखा सा होना स्ट्राइड मतलब कि बड़े-बड़े कदमों के साथ चलना पीपल थंप मतलब कि जोर-जोर से दिल की धड़कने टप बीट लाउडली एंड एन्चेंटेड मतलब कि ना एकदम ऐसे ऐसे अचंभित हो जाना वाओ ठीक है हिज हर ब्यूटी एन्चेंटेड मी चलो

उट ऑफ हंगर बी दैंग सवाल हाउड जोडी लुकडी ने क्या किया कैसे किया उसने उसके कैसे देखभाल की सुपर जोडी के ठीक है मतलब जोडी बन गया उसकी मम्मी एकदम प्रॉपर ठीक है तो वाइल टेकिंग इट होम ही तो बेटा शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड इज फेस फ्रॉम द शार्प वाइन्स बेटा वाइन्स क्या होते हैं वाइन्स ऐसे क्रीपर्स होते हैं ठीक है जो पॉइजनस हो सकते हैं उसमें ऐसे ना ऐसे टेंटिकल्स होते हैं तो उसने उसको पीपल फॉन बहुत मेमना बोलते हैं उसको बहुत सॉफ्ट होता है द स्किन इज वेरी सॉफ्ट न्यू सो एक कट आ गया ना ही स्टार्ट ब्लीडिंग तो एवरीथिंग